गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन, आई होप सो ऑल गुड। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने अपने पैनल्स ये सडल स्टैंड इंस्टॉल करवा लिया था। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखा दूं ये कहां कहां पे होके इंस्टॉल हुआ है। ये कुछ यहां पे, यहां से लेके यहां पे अंदर जाके इन स्क्रू के थ्रू यहां पे अटैच है, और ये कुछ इस तरह अटैच है, देख सकते हो आप लोग। सेम इधर ही भी ऐसी है, और इधर तो आएगा अपना टॉप बॉक्स, इधर आएंगे पैनियर्स, इस तरफ भी पैनियर्स आएगा। पैनियर्स इंस्टॉल होने के बाद तब गाड़ी का लुक एकदम ख़तरनाक लगेगा। देखो भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ना ये कुछ टाइम पहले जब मैंने बाइक ली थी, बाइक लेने के कुछ दिन तो मैंने ठीक ठाक चलाई। कल मैंने इस पर जब इंस्टॉल करवाया था, इंस्टॉल होने के बाद मैंने टेस्ट करा था कि ये इधर से गाड़ी गिरती है तो क्रैश गार्ड का काम कर जाएगी नहीं कर जाएगी। ये तो सेफ्टी इधर पीछे से दे दी इसने, फुल सेफ्टी। मगर जो इधर लगा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो इधर लगा हुआ था यहाँ पे इस तरह, जैसे वो इधर को बॉडी बाइक लिटाई थी, बाइक लिटाते वक्त देख रहा होगा आपको यहाँ से डैमेज हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो ये यहाँ पर आ गया है, इसकी वजह से देखो ये यहाँ से होता है ना, ये यहाँ से पेंट वगैरह सब चीज़ छूट चुका है। ये लगा हुआ था कुछ इस तरह, पता नहीं मेरे को किस तरह लगा था, और यहाँ से इसका थोड़ा सा ये टूट भी रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं वैसे आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इन वाले क्रैश गार्ड को लगवाने का कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गाड़ी गिरती है तो इंजन पर डैमेज आएगा, जो बॉडी में ना लग करके, इंजन बॉडी पर ना लग के बाइक की बॉडी पे क्रैश गार्ड लगता है उनका बेनिफिट होता है, क्योंकि गाड़ी गिरती है तो बॉडी पे ही फ़र्क आएगा थोड़ा बहुत, इंजन पे कुछ फ़र्क नहीं आने का। और बाकी कुल मिला के ये ऐसी लग रही है लुकिंग, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह बाकी गाइस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और सपोर्ट करो गाइस, थोड़े सा ये सब्सक्राइबर गेन करवाओ, अपना वॉच टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा, अपन भी रेगुलर फिर वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। मिलते हैं इतने के लिए, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।